बात करते हैं हिजब इख्तलाफ की, क्योंकि हिजब इख्तलाफ के सबसे बड़े लीडर गुलाम नबी आजाद का कल ऑफिशियली जो है मामला कल ऐवान के अंदर था, क्योंकि उनका मुद्दत जो थी राज्यसभा के अंदर जम्मू कश्मीर के जितने भी अरकान हैं उनकी मुद्दत जो है वो मुकम्मल हो रही है 15 तारीख तक सबकी, कुछ लोग 10 तारीख को हो रहे हैं, कुछ लोग 15 तारीख को हो रहे हैं, लेकिन कल अलविदाई तकरीर थी। लेकिन अब सबकी नज़रें कांग्रेस पर लगी है कि राज्यसभा के अंदर हिजब इख्तलाफ का लीडर कौन होगा। आपको याद होगा कि कल वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में भी इस बात का खुलासा किया था कि जो भी गुलाम नबी आज़ाद की जगह लेगा काफ़ी मुश्किल होगा उसके लिए मैच्योर करना कि किस तरीके से दोनों चीज़ों को चलाएं, पार्टी लाइन को भी चलाएं और मुल्क की मफाद को भी ध्यान में रखें। और यही वजह है कि कांग्रेस के अंदर अब मशावरत तेज हो गई है, एक तरफ से मशावरत चल रही है, दूसरी तरफ से लॉबीज़म का सिलसिला भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रहा है और मुख्तलिफ लॉबियाँ जो है वो अपने अपने तरीके से इस वक्त सोनिया गांधी तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। और ख़बर यह है कि कांग्रेस 15 तारीख से पहले किसी भी कीमत पर हिजब इख्तलाफ के लीडर के नाम का ऐलान नहीं कर सकती है। खबर आनंद शर्मा भी रेस के अंदर है, साथ साथ साबिक वजीर दाखला भी मैदान के अंदर है और माना जा रहा है कि जिस तरीके से उनका एक लंबा प्रोसीजर रहा है लोकसभा और राज्यसभा के अंदर शायद उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। तमाम देखना होगा कि अब सोनिया गांधी आगे इसको किस तरीके से ले सकती है, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद इस वक्त लीडर ऑफ द हाउस है, 15 तारीख तक वो ऐवान के अंदर रहेंगे, 15 तारीख के बाद लीडर ऑफ द अपोजिशन बदल जाएगा, कौन होगा कांग्रेस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि 15 तारीख को ही पत्ते जो है वो कांग्रेस की तरफ से खोल दिए जाएंगे। वहीं पर खबर यह है कि गुलाम नबी आजाद को वापस राज्यसभा भेजने के हवाले से भी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और सरगर्मियां तेज करते हुए इस खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस जरा से जो हमारे पास बड़ी खबर आ रही है कि केरल से गुलाम नबी आजाद को शायद दोबारा राज्यसभा के अंदर भेजा जा सकता है, लेकिन अभी इस पर मोहर तस्दीक नहीं है, खबर हवा में है। जरा से हमारे पास सामने आई है कि केरल से गुलाम नबी आजाद को नामजद किया जा सकता है कांग्रेस की तरफ से दोबारा, क्योंकि कल जिस तरीके का माहौल लोकसभा और राज्यसभा के अंदर था, जिस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा के मेंबरों ने गुलाम नबी आजाद को अपने अंदाज में अलविदा किया है, उसके बाद कांग्रेस भी लगातार ये सोच रही है कि इस एसेट को इस तरीके से जाया ना होने दिया जाए, इसलिए इसका पूरा मौका और फायदा जो है वो लिया जाए। और कांग्रेस जरा से जो खबर आ रही है वो ये है कि केरल से शायद दोबारा गुलाम नबी आजाद चुनकर वापस ऐवान के अंदर आएंगे, राज्यसभा के अंदर आएंगे, लेकिन तब तक लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन रहेगा इसके लिए मशावरत का सिलसिला और लॉबिज्म का सिलसिला कांग्रेस के अंदर तेज हो गया है। तो